हेलो फ्रेंड्स, डायरेक्ट स्टडी पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन प्लेटो की जो शिक्षा पद्धति है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये पॉलिटिकल साइंस का महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये जो बीए फाइनल के जो विद्यार्थी हैं, बीए पार्ट थर्ड के जो विद्यार्थी हैं, उनके जो पॉलिटिकल साइंस है उसमें ये चैप्टर चलता है, तो उनके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक पर आज अपन डिस्कस करेंगे। इसकी पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और आप वहां से भी इसको देख सकते हो। तो प्लेटो का शिक्षा पद्धति, प्लेटो की शिक्षा पद्धति, एजुकेशन मेथड ऑफ प्लेटो, यानी प्लेटो की शिक्षा पद्धति। प्लेटो ने ये शिक्षा पद्धति क्यों दी? सबसे पहले तो ये क्वेश्चन उठता है, क्योंकि प्लेटो आदर्श राज्य, आदर्श राज्य का निर्माण करना चाहते थे और इस निर्माण में उन्होंने दो तथ्यों को महत्वपूर्ण योगदान दिया, शिक्षा और दूसरा साम्यवाद। साम्यवाद यानी ये दोनों प्लेटो के महत्वपूर्ण स्तंभ माने जा सकते हैं। प्लेटो के ये दोनों शिक्षा और साम्यवाद, यानी जो आदर्श राज्य का जो ढांचा वो खड़ा करना चाहते थे, उनमें शिक्षा और साम्यवाद को उन्होंने एक महत्वपूर्ण स्थान दिया। अपन सबसे पहले इसकी भूमिका की बात करेंगे, इस टॉपिक की भूमिका क्या है उसकी बात करेंगे। भूमिका तो सबसे पहले सेबाइन द्वारा जो प्लेटो के बारे में कहा गया है कथन, वो लिखेंगे सबसे ऊपर। तो जो सेबाइन था, सेबाइन सेबाइन लिखता है कि प्लेटो ने राजनेताओं की, सॉरी, राजनेताओं के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए चाहे साम्यवाद पर जोर क्यों ने दिया हो, लेकिन उनका सबसे ज्यादा प्रभाव या जोर शिक्षा को दिया था। ये सेबाइन बोलता है प्लेटो के बारे में, क्योंकि जब अपन पेपर करके आएंगे तो ये सबसे पहले लिखना, क्योंकि नंबर एग्जामिनर बढ़िया देता है,
सेबाइन ने बोला कि प्लेटो राजनेताओं के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए चाहे साम्यवाद पर जोर क्यों न दिया हो, लेकिन उसका प्रभाव या अधिक जोर शिक्षा पर ही देखा जाता है, क्योंकि शिक्षा ही ऐसा माध्यम है जिससे नागरिकों के चरित्र का निर्माण होता है। और जब राज्य में अच्छे नागरिक होंगे तो एक आदर्श राज्य का निर्माण होने से कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद सेबाइन का कथन तो हो गया। इसके बाद उन्होंने न्याय सिद्धांत में स्पष्ट किया। मैं इतनी चीजें आपको बोर्ड पर नहीं लिख सकता क्योंकि टॉपिक बड़ा है। न्याय सिद्धांत में स्पष्ट किया कि राज्य के जो नागरिक हैं, राज्य के नागरिकों में सामंजस्य एवं यानी राज्य के जो नागरिक है उनमें सामंजस्य एवं स्वधर्म, जो उनका धर्म है राज्य के लिए, स्वधर्म का पालन कराना ही न्याय है। उन्होंने प्लेटो ने न्याय की न्याय है प्लेटो ने न्याय की परिभाषा बता दी कि राज्य के नागरिकों में सामंजस्य एवं स्वधर्म का पालन करना ही न्याय है। लेकिन नागरिकों में जो सामंजस्य है उसका पालन, सामंजस्य और स्वधर्म का पालन किस प्रकार कराया जाए, इसके लिए वो दो आधारों को चुनता है। पहला है शिक्षा और दूसरा साम्यवाद। इसके दो स्तंभ है, यानी नागरिकों के अंदर सामंजस्य और स्वधर्म का पालन कराने के लिए किस प्रकार उनके पास में इनका पालन कराया जाए, इसके लिए शिक्षा और साम्यवाद को वह अपना प्रमुख आधार बनाता है। और जो ये शिक्षा है इसका वर्णन प्लेटो ने खुलकर अपना जो राजनीतिक शास्त्र का ग्रंथ है यानी रिपब्लिक रिपब्लिक जो राजनीति शास्त्र का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है, ये प्लेटो द्वारा रचित किया गया था। तो इस जो ये प्लेटो की जो कृति थी, रचना थी, उसमें प्लेटो ने शिक्षा के बारे में खुलकर बोला कि शिक्षा नागरिकों के श्रेष्ठ चरित्र का निर्माण करती है। और प्लेटो ने जब रिपब्लिक में इतना सारा वर्णन दे दिया तो रूसो बोलता है, इसे देखकर रूसो इस पर टिप्पणी करता है कि आपके जो ये वर्णन है, आपने शिक्षा के बारे में बताया तो ऐसा लगता है कि रिपब्लिक राजनीति शास्त्र का ग्रंथ न होकर शिक्षा शास्त्र का ग्रंथ लगता है। यानी अधिक रिपब्लिक में जब प्लेटो ने शिक्षा के बारे में अधिक बता दिया तो रूसो ये कहता है कि रिपब्लिक राजनीतिक शास्त्र का ग्रंथ न होकर शिक्षा शास्त्र का ग्रंथ लगता है मुझे। और इसके बाद में आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसके बाद में उन्होंने
एक बारकर नामक विचारक हुए हैं, उन्होंने भी प्लेटो का जो शिक्षा सिद्धांत है उस पर टिप्पणी करते हुए लिखते हैं, यानी जो बारकर है इसी में आएगा, बारकर शिक्षा के बारे में यानी प्लेटो की शिक्षा के बारे में लिखते हैं, शिक्षा मानसिक व्याधि को दूर करने का मानसिक उपचार है। ये बारकर बोलते हैं शिक्षा के बारे में कि शिक्षा मानसिक व्याधि को दूर करने का मानसिक उपचार है। इस प्रकार जब आप भूमिका में ये कथन लिखोगे नाम डाल के तो आपके नंबर अच्छे आएंगे। तो इसके बाद भूमिका आपने कर ली, एक टॉपिक डालेंगे अपन, शिक्षा की पृष्ठभूमि एथेंस एवं स्पार्टा की शिक्षा, यानी प्लेटो ने अपना शिक्षा सिद्धांत दिया था उस समय यूनान के दो प्रमुख राज्य हैं ये एथेंस और स्पार्टा। तो इनमें जो शिक्षा प्रचलित है उसके अवगुण और गुणों को प्लेटो ने एक्सेप्ट करके ये शिक्षा सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो एथेंस में क्या शिक्षा पद्धति थी, स्पार्टा में क्या शिक्षा पद्धति थी, उसके बारे में भी अपन को जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे अपन एथेंस की शिक्षा पद्धति, यानी एथेंस में क्या शिक्षा पद्धति थी उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। सबसे बड़ी विशेषता इसकी ये है कि ये जो एथेंस में जो बालकों को शिक्षा दी जाती थी वो परिवार द्वारा दी जाती थी, यानी परिवार द्वारा वो शिक्षा दी जाती थी, राज्य के द्वारा कोई शिक्षा नहीं दी जाती थी। सबसे महत्वपूर्ण वो है, यहाँ लिख लो, यहाँ बालकों को परिवार द्वारा शिक्षा दी जाती थी, राज्य द्वारा नहीं। यानी इस शिक्षा पद्धति की प्रमुख विशेषता है कि यहाँ बालकों को परिवार द्वारा शिक्षा दी जाती थी, राज्य के द्वारा नहीं दी जाती थी, राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता इससे। और एथेंस में शिक्षा पद्धति को तीन भागों में बांटा गया था। पहली जो शिक्षा पद्धति, जो पहली स्टेज थी वो प्राथमिक शिक्षा। यह शिक्षा 6 से 14 वर्ष दी जाती थी। इस शिक्षा के बारे में मैं डिस्कस कर लूं
कि इसमें बालकों को पढ़ना, लिखना, कवियों का साहित्य पढ़ाना, व्यायाम कराना, ये प्रमुख व्यवस्था थी। यानी जो प्राथमिक शिक्षा थी उसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष के भीतर ये शिक्षा दी जाती है, जिसमें बालकों को पढ़ना, लिखाना, कवियों का साहित्य पढ़ाना और व्यायाम कराना प्रमुख शिक्षा थी। इसमें दूसरी जो भाग था वो माध्यमिक शिक्षा। माध्यमिक शिक्षा ये 14 से 18 के बीच में दी जाती थी। इसमें जो शिक्षा दी जाती थी अलंकारों की, यानी अलंकार, भाषण और अलंकार भाषण और राजनीति की, यानी राजनीति भी सिखाई जाती थी। तो अलंकार भाषण और राजनीति भी माध्यमिक शिक्षा में सिखाई जाती थी। तीसरी जो स्टेज है वो सैनिक शिक्षा थी। सैनिक शिक्षा थी जो 18 से 20 वर्ष के बीच दी जाती थी। यहाँ पर मैं एक चीज बता दूं, जो माध्यमिक शिक्षा है ये राति में सोफिस्टो सोफिस्टों को धन देकर ये अलंकार भाषण और राजनीति सिखाई जाती थी। जो सैनिक शिक्षा थी वो 18 से 20 वर्ष के भीतर थी। इसमें सैनिक शिक्षा दी जाती थी और सैनिक शिक्षा में निपुण होने के बाद राज्य को उस बालक को अधिकार पूरे मिल जाते थे वो सैनिक में। तो जो ये शिक्षा पद्धति थी एथेन की शिक्षा पद्धति, इसमें बालक का शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक विकास हो जाता था। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका ले सकते हो। यानी इस शिक्षा पद्धति के, एथेंस की शिक्षा पद्धति से शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक विकास तो होता था, लेकिन प्लेटो इस शिक्षा पद्धति की आलोचना करता है और आलोचना करते हुए वह क्या बोलता है वो भी देख लेते हैं। इस शिक्षा पद्धति की एक अलग टॉपिक डालो, प्लेटो द्वारा एथेंस की शिक्षा पद्धति की आलोचना। यानी उन्होंने, प्लेटो ने एथेंस की जो शिक्षा पद्धति है उसकी आलोचना की है और वो ये कहते हैं कि जो शिक्षा राज्य के द्वारा दी जानी चाहिए, वो शिक्षा परिवार के द्वारा दी जाती है और गलत है। परिवार के द्वारा दी जाती है
वो शिक्षा गलत है। परिवार के द्वारा शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए, राज्य के द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए। इसी कारण वो इस शिक्षा पद्धति का विरोध करता है और इसके दुष्परिणाम भी वो बताता है। दुष्परिणाम भी शिक्षा पद्धति के बताता है कि इस शिक्षा पद्धति से उत्तम चरित्र चरित्र के जो नागरिक हैं, नागरिकों का विकास न होकर, यानी उत्तम चरित्र के नागरिकों का इस शिक्षा पद्धति से विकास नहीं हो सकता। इससे जो ये शिक्षा पद्धति है उससे उपद्रवी एवं क्रांतिकारी नागरिकों का निर्माण होगा और इनका निर्माण होने से जो राज्य की जो सत्ता है, राज्य की सत्ता में भी उपद्रवी और क्रांतिकारी नागरिक ही आएंगे। जो सत्ता में आने के कारण सत्ता के जो अधिकारी हैं, अधिकारी निकम्मे हो जाएंगे, और जब राज्य के अधिकारी निकम्मे हो जाएंगे तो वो सत्ता राज्य सही तरीके से चला नहीं पाएंगे और इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जनता सबसे नीचे पायदान की जो स्टेज है, क्योंकि सारा कुछ जनता को ही भुगतना पड़ता है। सत्ता चाहे कैसी भी चलाओ आप, लेकिन सब कुछ सत्ता को ही, गरीबों को ही भुगतना पड़ता है। तो इसके दुष्प्रभाव बता दिए कि उत्तम चरित्र के नागरिकों का विकास नहीं हो सकता, उपद्रवी क्रांतिकारी नागरिकों का निर्माण होगा, राज्य की सत्ता में निकम्बे शासक आ जाएंगे, इनके आने से सत्ता सही तरीके से नहीं चलेगी और इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ेगा। इस कारण अब उन्होंने इस शिक्षा पद्धति को पूरी तरीके से परख लिया था और इस शिक्षा पद्धति से उन्होंने कुछ सीखा, और वो क्या सीखा, इस शिक्षा पद्धति से चार तत्व अपनी शिक्षा पद्धति में मिलाए। प्लेटो ने अपनी शिक्षा पद्धति में जो एथेंस की जो शिक्षा पद्धति थी उसमें थोड़ा परिवर्तन करके चार तत्व शिक्षा पद्धति में मिलाए। पहला, राज्य द्वारा शिक्षा दिया जाना, दूसरा परिवार द्वारा शिक्षा नहीं दिया जाना, परिवार द्वारा जो शिक्षा दी जाती है उसका अंत किया जाना, शिक्षा से ज्ञानी एवं योग्य दार्शनिक राजाओं का निर्माण, और चौथी बात ये सीखी उत्तम चरित्र का निर्माण करना, शिक्षा से उत्तम चरित्र का निर्माण करना। तो उन्होंने इस शिक्षा पद्धति में कुछ फेर बदल करके इसके जो गुण हैं उनको अपनी शिक्षा पद्धति में मिलाया। राज्य द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए, परिवार द्वारा शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए, ज्ञान और योग्य दार्शनिक राजाओं का निर्माण, उत्तम चरित्र का निर्माण शिक्षा के द्वारा किया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमने एथेंस
की जो शिक्षा पद्धति थी उसके बारे में जान लिया। अब अपन स्पार्टा की जो शिक्षा पद्धति है उसके बारे में जानेंगे कि क्या स्पार्टा की जो शिक्षा पद्धति थी वो क्या एथेंस से अलग थी, वो सभी अपन जानेंगे। स्पार्टा की शिक्षा पद्धति, स्पार्टा की शिक्षा पद्धति, तो सबसे पहले इसकी विशेषता की बात कर लेते हैं कि स्पार्टा की जो शिक्षा पद्धति थी वो क्या थी। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये यहाँ पर राज्य द्वारा शिक्षा दी जाती थी, परिवार द्वारा शिक्षा नहीं दी जाती थी। यह शिक्षा पद्धति जो स्पार्टा की जो शिक्षा पद्धति थी वो एथेंस से बिल्कुल अलग थी और प्लेटो के ऊपर स्पार्टा की जो शिक्षा पद्धति थी उसका अधिक प्रभाव पड़ा था। तो प्रमुख विशेषता राज्य द्वारा शिक्षा दी जाती है, परिवार द्वारा यहाँ शिक्षा नहीं दी जाती थी। एथेंस से जो एथेंस की जो शिक्षा पद्धति है उससे स्पार्टा की शिक्षा मेल नहीं खाती, बिल्कुल अलग है। यहाँ पर सैनिक प्रशिक्षण कठोर दिया जाता था, यानी सैनिक शिक्षा पर अधिक बल दिया जाता था, यह इसकी विशेषता है। इसके अलावा यहां पर 7 वर्ष की आयु में 7 वर्ष की आयु में जब बालक 7 वर्ष की आयु में जाता था तो माता पिताओं से दूर राज्य के जो अधिकारी हैं, राज्य के अधिकारी, यानी 7 वर्ष की आयु में बालक को राज्य के अधिकारियों के पास में सौंप दिया जाता था। यहां पर जो बालिकाएं हैं उनको भी शिक्षा दी जाती थी, बालकों के लिए ही नहीं था, बालिकाओं के लिए भी यहाँ पर शिक्षा की उचित व्यवस्था की गई थी। अब एक विद्वान है, यूनानी विद्वान है प्लूटार्क। ये प्लूटार्क जो स्पार्टा के जो नियम निर्माता है, जिन्होंने नियम बनाए हैं, नियम निर्माता, नियम निर्माता लाइकरगस हैं, इनकी जो जीवनी है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पर बालिक बालिकाओं को सैनिक प्रशिक्षण कठोर दिया जाता था। यहाँ पर जो बालक बालिकाएं हैं उनको नंग अवस्था में व्यायाम कराया जाता था। व्यायाम, जब मैंने ये पढ़ा तो मैं भी दंग रह गया कि नंगी अवस्था में दोनों बालक बालिकाओं को यहाँ पर व्यायाम कराया जाता था। ये लाइकरगस जो स्पार्टा के जो नियम निर्माता, उनकी जीवनी में लिखा हुआ है कि नंग अवस्था में यहाँ पर व्यायाम कराया जाता था। जो युवतियाँ यानी बालिकाएं हैं उनको दौड़, कुश्ती,
भाला और बर्छा फेंकना, बर्छा बाला फेंकना और बर्छा चलाना आदि की शिक्षा दी जाती थी ताकि इन युवतियों को सुपुष्ट किया जा सके, यानी शरीर से सुपुष्ट किया जा सके। और जब ये शरीर से सुपुष्ट होंगी तो इनके जो बच्चे होंगे, जो बच्चे होंगे वो भी सुपुष्ट होंगे माँ की तरह, और ये राज्य के जो आदर्श राज्य के निर्माण में बहुत बड़ी सहायक बनेंगे, ऐसा प्लेटो का मानना है। तो युवतियों को दौड़ कुश्ती बाला बर्छा चलाना सिखाया जाता है ताकि सुपुष्ट हो, इनके बच्चे सुपुष्ट हों, और बच्चे सुपुष्ट होंगे तो राज्य के निर्माण में ये प्रमुख सहायक बनेंगे। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका ले सकते हो। इसके बाद में आगे की जो इसकी शिक्षा पद्धति में और क्या विशेषता बताई गई है, यहाँ पर जो विवाह स्पार्टा में जो विवाह किया जाता था वो 20 वर्ष की आयु में किया जाता था। विवाह 20 वर्ष की आयु में, 20 वर्ष की आयु में। और यहाँ पर विवाह को गुप्त गुप्त एवं अवैध माना जाता था, यानी विवाह को अच्छा नहीं माना जाता था, गुप्त वह अवैध माना जाता था। यहाँ पर सभी नागरिक स्पार्टा के सभी नागरिक भोजनालय में एक साथ भोजन करते थे, और जो ये भोजन का जो खर्चा होता था वो जमींदारों के द्वारा जो दास होते थे, दास जो खेती करते थे और उसका जो कर देते थे, खेती का कर ये जो दास होते थे वो खेती का कर जमींदारों के पास में देते थे, और जमींदार भोजनालय की जो व्यवस्था संभालते थे उसमें इस कर को खर्च कर देते थे। यहाँ पर जो स्पार्टा की शिक्षा थी वो सैनिक शिक्षा पर तो जोर दिया जाता था, लेकिन साहित्य की शिक्षा पर जोर नहीं दिया जाता था, यह इसका अवगुण है। साहित्य एक शिक्षा पर जोर नहीं दिया जाता था, इसी कारण जो स्पार्टा के जो निवासी थे वो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, इसी कारण सबसे ज्यादा सैनिक शिक्षा पर ज्यादा जोर दिया जाता था। आधे से लोग अनपढ़ स्पार्टा के, और यहाँ पर जो स्पार्टा में जो सैनिक व्यवस्था अच्छी होने के कारण जो एथेंस के निवासी हैं वो स्पार्टा में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। अब प्लेटो का प्लेटो पर प्रभाव यानी स्पार्टा की जो शिक्षा है उसका प्लेटो पर क्या प्रभाव पड़ा। प्लेटो साफ साफ कहता है कि यहां पर सबसे बढ़िया बात मेरे को यह लगी कि राज्य द्वारा शिक्षा दी जाती है, परिवार द्वारा नहीं दी जाती है, यह सबसे बड़ी बात लगी मेरे को। और इस समय प्लेटो रिपब्लिक ग्रंथ की रचना कर रहे थे। जब स्पार्टा विशेष प्रभाव था राजनीतिक
शिखर पर उच्च तरीके से छाया हुआ था, इसकी प्रसिद्धि थी। उस समय रिपब्लिक ग्रंथ की रचना ये कर रहे थे, तो स्वाभाविक है कि स्पार्टा का प्लेटो पर विशेष प्रभाव देखा गया और अपनी शिक्षा पद्धति, अपने राज्य, आदर्श राज्य के लिए स्पार्टा की शिक्षा पद्धति को उन्होंने विशेष स्थान दिया। यानी शिक्षा पद्धति को, स्पार्टा की जो शिक्षा पद्धति को विशेष स्थान दिया और रिपब्लिक में भी इस स्पार्टा की शिक्षा पद्धति का वर्णन किया, क्योंकि इस टाइम ही ये प्लेटो ग्रंथ की रचना कर रहे थे। अब इस शिक्षा पद्धति में दोष क्या है? पहला, पाठ्यक्रम कठोर एवं एकाकी। दूसरा, इसमें सैनिक प्रशिक्षण शिक्षण कठोर। इसमें यहां पर शारीरिक विकास तो होता था, लेकिन मानसिक एवं बौद्धिक विकास नहीं होता था। यानी इस शिक्षा पद्धति से शारीरिक विकास तो होता था, लेकिन मानसिक व बौद्धिक विकास नहीं होता था, क्योंकि यहाँ पर सैनिक प्रशिक्षण पर ज्यादा जोर दिया जाता था। इससे शारीरिक विकास अधिक हो जाता था और साहित्य की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। पहले ही बता दिया मैंने ये बात कि साहित्य की व्यवस्था न होने के कारण मानसिक और बौद्धिक विकास इनका बिल्कुल रुक जाता था। तो एथेंस और जो स्पार्टा की जो शिक्षा पद्धति है, उन दोनों का विश्लेषण करके जो बढ़िया बढ़िया चीजें हैं, उन चीजों को प्लेटो ने अपनी शिक्षा पद्धति में जोड़ दी। फ्रेंड्स, हम अगली वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, अगली वीडियो में प्लेटो ने इन सभी गुणों को अपनाकर जो शिक्षा पद्धति दी, वो शिक्षा पद्धति की जो रूपरेखा थी वो कैसी थी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।